बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं नीरज सिंह ब्लॉग। हे गाइस, सो गाइस, आज हमारी टीम फिर से जुड़ चुकी है। हमारे साथ हमारे 3 मेंबर्स और बढ़ चुके हैं। से हाय गाइस। हाय, हेलो दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पर होता है पाषाण युद्ध, और हम पाषाण युद्ध को आपके लिए कवरेज करने के लिए जा रहे हैं। अभी पता नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, अभी हम ऑन द वे हैं, रास्ते में हैं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये हमारी इंटायर टीम, और कुछ नए मेंबर भी हमारे टीम में जुड़ चुके हैं, जिनका इंट्रो रीता मैम देंगे। ये मेरी फ्रेंड है किरण और ये है उमा। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं किरण और उमा, पंकज, जितेन, पूजा, तानिया और रीता मैम और मैं। हम लोग जा रहे हैं देवी दुर्गा। आराम से गाना, आराम से। तड़पो कर ले बाबा, नदनी बसू लो, मत में हाथ धर दे जिंदगी कटू लो। दोस्तों, देवी धुरा यहाँ पर से तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया है, और हम लोग एक पतली सी सड़क को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे पीछे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। नया रूट है, बहुत अच्छा लग रहा है, और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए और गड्ढों का भी आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पहुंचेंगे देवी धुरा, और आपसे मिलते हैं देवी धुरा में। देखो, एक गेस्ट और आ गया है हमारे साथ, देखिए जबरेला कुत्ता। कितना बढ़िया है ये जबरेला कुत्ता। और आ गया है एक और आ गया, जितेंद्र ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो ये जितेंद्र से मैच कर रहा है। ये सर के बाल भी मैच कर रहे थे। ठीक। अभी हम लोग तकरीबन 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, और मेरे साथ हैं यहाँ पर तो पूजा है, रीता मैम है, और किरण है, और आप उमा है ना, उर्मी। तो थोड़ा यहाँ तक का सफ़र बहुत काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और मेरे साथ में दो फ्रेंड भी हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो किरण आपकी फ्रेंड है? यस। ठीक है, तो कल का जो बगवाल का मेला होता है उसको आप देखने के लिए अपने फ्रेंड के वहाँ आए हैं, और हमें भी आप लेकर आए हैं ना। बिल्कुल, काफी टाइम पहले से हमारा जाने का प्रोग्राम तो आज फाइनली हो ही गया। ठीक, वो भी सर की वजह से पूरा हो चुका है, हो रहा है। तो देवी धुरा जो गांव है वो एकदम, उसको गांव भी नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा शहर भी है और थोड़ा सा गांव भी है। तो यहाँ पर को थोड़ी ठंड है, तो ये हल्द्वानी से आए हुए हैं तो उनको जैकेट की ज़रूरत पड़ी है। अभी उन्होंने अपनी जैकेट निकाल ली है पहनने के को। यहाँ पर आप तो मुक्तेश्वर से हैं, आपको भी ठंडा लग रहा है? अच्छा, ठीक है। सर मुझे हो रहा है, जितेंद्र को ठंडा हो रहा है। पंकज, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो क्या ही कहें, पहुँच के देखते हैं कैसा रहता है। चलिए चलिए, ठीक है, पहुँचे नहीं है अभी, लेकिन अभी तक का सफर बढ़िया रहा है सर। लेकिन ये व्यू के देखने का मजा आ रहा है, बहुत सॉलिड व्यू है। ठीक। सर ऐसे भी आगे का और देखने को मिलेंगे, जाएंगे हम देवी धुरा। हाँ, तो सर अभी तो हमको शाम हो रही है, अगर देवी धुरा पॉसिबल होगा तो हम अभी आपको देवी धुरा दिखाएंगे, वरना कल दिखा पाएंगे। इसको ठंडा हो रहा है, तब भी ठंडा नहीं हो रहा है। बढ़िया सीन आया ना। तो अभी एक रास्ते में जहाँ पर को बहुत बढ़िया सा, बहुत खूबसूरत सा सीन था, वहाँ पर को हम लोग रुक गए थे। और अभी जो है हम लोग जो जा रहे हैं देवी धुरा,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या अल्टीमेट व्यू है, कितना बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह है ये। ये देखिए, इनको एक झोपड़ी सी मिल गई है और इनका कहना है कि आज रात यहीं बिता देते हैं, क्योंकि आगे जाने में इनको लगता है कि हमें बहुत थकान हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो इनको यही रहोगे। चलिए ठीक है, ठीक है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं देवीधुरा। रास्ते में हमें देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था हमें, और जिनके घर में हम आए हुए हैं उनका घर बहुत खूबसूरत है, प्योर ऑथेंटिक कुमाऊनी घर है, पटाल के घर है, पत्थर के बने हुए, बहुत ही खूबसूरत है। मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर को लोग रहते हैं, गाँव का जनजीवन, गाँव का परिवेश, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और पीछे आप देख सकते हैं तो वो बिल्डिंग है यहाँ पर, तो गांव में जो घर होते हैं, और पीछे चाँद निकल रहा है और बादल आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि चाँद निकला हुआ है और वो बादल लगे हुए हैं आसमान में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर को है। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा वो घर जहाँ पर को आज हम नाइट स्टे करेंगे हमारी पूरी टीम। तो आप देख सकते हैं ये है घर, पहाड़ के जो घर होते हैं वो थोड़े नीचे होते हैं, डोर उसका नीचे होता है, ताकि घर की रिस्पेक्ट के लिए हमें झुक के इंटर करना होता है। ये मैं इंटर कर चुका हूँ घर पे, और ये टीम जो मेरे साथ आई हुई है ये पहले ही घर के अंदर इंटर कर चुके हैं। हाँ सर। और सबसे पहले मिलाना चाहूँगा जो जिनका ये घर है, क्या बोलूं, आपका किरण जी है उनका ये घर है, वो रीता मैम के फ्रेंड है, और आज का नाइट स्टे हम उन्हीं के घर पे कर रहे हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? सर मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप बताएं। हाँ हाँ वही वही, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपका घर, और आपके घर से पहाड़ से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं वो बहुत ही बहुत सुकून देने वाली हवाएं यहाँ से आ रही है। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि कैसे हम लोग यहाँ पर को आज रहेंगे। देखिए थोड़ी सी गर्मी भी होती है यहाँ, मुक्तेश्वर जैसा नहीं है, वहाँ पंखे नहीं होते, यहाँ हमें नई चीज़ दिख रही है पंखा। और देखिए ये पंकज और तानिया है, और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? बोलिए, सब बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? हाँ सर, है ना। पूजा आप कुछ कहेंगी? सर बहुत रिलीफ मिल रहा है, सर बिल्कुल पहाड़ी वाइब्स आ रही है एकदम। हाँ सर मजा आ गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ किरण के घर। मेरी मतलब हम लोगों का बहुत होता कि हम जाएंगे जाएंगे इसके घर, आज फाइनली आ गए तो मुझे अच्छा लग रहा। मैं यहाँ पे चाची लोगों को मिली और भी बहुत अच्छे हैं, मतलब अपने घर जैसी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। जीतू भाई अच्छा लग रहा है, बोलेंगे और ये हमारे सर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आके, और लाइफ में पहली बार मैं ऐसे फ्रेंड के साथ और सर के साथ पहली बार आया हूँ। ये वो भी फैमिली वालों ने मुझे पता नहीं कैसे भेज दिया, माता रानी का आदेश आया होगा मुझे बुलाने के लिए, जो उनने घर वालों ने मुझे भेज दिया यहाँ, तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू, और वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा सर की वीडियो को। कितना खूबसूरत ये जो घर है आप देख सकते हैं, इसकी हाइट देखिएगा, जो पहाड़ में ऑथेंटिक घर होते हैं, यानी कि जो असली में घर होते हैं ना पहाड़ के, वो फीलिंग है यहाँ पे। बहुत कोजी सा घर है और काफ़ी बड़ा है, ये दिखने में बहुत बड़ा है, तकरीबन ये होगा ये जो रूम है ये तकरीबन मेरे अंदाजन से 18x18 का तो हो गई, बहुत बड़ा रूम है, और इसमें 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ रूम, थोड़ा सा झुक के आना पड़ता है, जितेंद्र के पास बैठूँगा मैं। के अनरपा गांव में हम हैं और किरण जी हमारे साथ हैं, उनका ही घर है, और बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी उन्होंने मेहमान नवाजी की है हमारी, हमें सराखों में रखा है, और उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे आ नहीं पाते क्योंकि रीता मैम की उनसे फ्रेंडशिप है, तो इसलिए वो उन्होंने हमें अलाउड किया कि उनके घर में हम रह सके एक रात। साथ साथ हम कल देवीधुरा के मंदिर भी जाएंगे और उसका भी हमें वहाँ देखने का मौका मिल पाएगा। सर हमारे चाय आ गई है यहाँ पे, ये चाय आ चुकी है पहाड़ी चाय, जो कि हमें क्या नाम है, अनरपा, अनरपा, जिसके हमें बहुत जरूरत थी अभी,
थैंक यू बनी, मिल चुकी है हमें चाय तो गाइस जैसे चलिए बोले सर, काफी लंबे सफर के बाद चाय पीने का मजा कुछ और है। अगर आप गाड़ी में ट्रैवलिंग करते हैं और उसके बाद आप अगर चाय पिए तो उसमें आनंद कुछ अलग आता है सर। चाय पीने से नींद भी नहीं आती है। और सर देखिए मैं चाय का घुटुक लेने वाला हूँ। तो वेलकम करने का तरीका है पहाड़ में चाय, और अब हम पी रहे हैं चाय। और घर के दूध की यहाँ गाय पाली जाती है, घर का दूध होता है, हर चीज घर की होती है, ऑर्गेनिक चीजें होती है यहाँ पे सारी चीजें। और मैं चाय पी रहा हूँ अभी, बहुत टेस्टी चाय है। निर्मला हसने की लहने मेरी, निर्मला हसने की लहने।